के 8:55 हो रहे हैं। कल रात ऑलमोस्ट 2 बजे तक काम किया, उसके बाद नींद आ गई, सो गया, सुबह जल्दी उठ के फिर से काम पे लग गया और अब व्लॉग रेंडर हो रहा है, उसके बाद अपलोड होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जनरली मैं ऐसे व्लॉग स्टार्ट करता नहीं हूँ बट कोई बात नहीं, आज कर रहा हूँ। शिल्पी ने प्रोटीन शेक बना के दिया, ब्रेकफास्ट की तैयारी अभी होगी। लेकिन सुबह सुबह एक पंगा और हो गया, उठते मैम मैंने चेक किया कि मेरे सेल फोन की चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो सुबह सुबह एक खर्चा सा हो गया। पता नहीं वो खर्चा एग्जैक्टली है कि क्या है, लेकिन जा करके बनवाना तो पड़ेगा, तो दैट इज अ टास्क। क्या कर रही हो? ओके, मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं, कुछ कुछ जो फर्नीचर्स थे वो आए हैं, बाकी जब पूरा सेटल हो जाएगा तो आराम से आपको हाउस टूर देंगे इसका। अब क्या करने का है आज? अपने को ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं और आज अपने पास मेजर काम है कि पैकिंग करनी है अपने को, राइट? अपन निकल रहे हैं कल सुबह सुबह रोड ट्रिप पे, तो उसकी पैकिंग करनी है आज। तो बाकी पूरा दिन कैसा कैसा जाता है आप लोग को दिखाते हैं। ये जो अंदर सिंगल बेड था उसको इधर ला के मैंने प्लेस कर दिया है एंड इट लुक्स वेरी गुड। सिटिंग एरिया भी हो गया और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है कि कैसी है। तो जो मेरे सेल फोन में प्रॉब्लम थी, शिल्पी ने बोला कि इसको चावल के अंदर पैक करके रख दो 1-2 घंटे के लिए, तो मे बी वो चलना शुरू कर दे, क्योंकि जो चावल होता है उसका मॉइस्चर सोक कर लेता है। तो मैंने ऐसे ही किया, अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए हैं। मैंने सोचा चलो अब निकाल के देखा जाए कि क्या सिचुएशन है, चल रहा है कि नहीं। तो लेट मी जस्ट डिग इट आउट, देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं। चार्ज नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि फ़ोन मेरा चार्ज नहीं हो रहा था। लेट मी सी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट्स वर्किंग। शिल्पी ये चालू हो गया। अरे यार थैंक यू वेरी मच, खर्चा बचा लिया यार तुमने तो। और यार पता है कि दूध वाले का कॉल भी आया था अब, लेकिन वो उसमें रखा हुआ था तो पता नहीं चला। कोई नहीं, मार्केट से जाके ले आएंगे। फाइनली फ़ोन चल गया बिना किसी खर्चे के, बिना कहीं जाके टाइम वेस्ट किए हुए, तो ये एक अच्छी बात है। टाइम अपना बचा, अपने को आज बहुत काम। हाँ, मैंने दे दिया तुम्हें क्रेडिट की, तुम्हारी वजह से ये आइडिया दिया, तुमने मुझे ये आइडिया दिया, इस वजह से फ़ोन चला। ठीक है बाबा, मैं क्रेडिट देता हूँ तुमको रे, मैं देता हूँ क्रेडिट तेरे को। इसको कहते क्या यार, क्या कहते हैं इसको? चोको स्टोन्स तो है ये, और क्या है, खा के देखो। नहीं मैं नहीं खा रहा, मतलब मैंने खाया है पहले बट आई वांट टू ईट इट नाउ। ठीक ठाक है। एक इधर ना बार स्टूल ला के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक हाई स्टूल नहीं होता है जो सर्दियों में, तुम मत पराठे सेको और मैं उधर बैठ के खाऊँ, इंजॉय करूँ। और नहीं तो क्या, सपने नहीं मतलब, चलो मैं पराठे सेको और तुम वहाँ बैठ के खाओ। ध्यान किधर है तुम्हारा? तुम्हारे अंदर है, मेरे पे, तुम्हारे पे है, मेरे पे ध्यान है तुम्हारा। वो देखो मधुमक्खी आ गई ऊपर, चाय बना रहे हैं मैडम। तुम्हारे आने से घर की रौनक बढ़ गई है शिल्पी, वैसे ये मैंने देखा। बाहर खेल उठी है। हाँ, बातें नहीं बना रहे, सच कह रहा हूँ। बातें बना के क्या होगा? वो दिखा रहे हो ना, वो कहते हैं ना पुदीने के पेड़ पे चढ़ाना, चने के झाड़। हाँ एक ही बात, सबके अपना अपना वो होता है। पत्ती डाल दो, ये साफ चम्मच है। हाँ चीनी वाला ही तो है इतनी। हाँ तो यार मुझे आता नहीं ना चाय बनाना, क्योंकि मैं पीता नहीं, किसलिए मुझे आता नहीं। सब रख दो नीचे, दिखाओ इसमें, दिखाओ कैसा चल रहा है मामला। बिल्कुल परफेक्ट मामला, बस रख दो, तेज करो गैस, थोड़ी खोलने लग जाए ना। पानी की जरूरत है, उसमें पानी भी तो कम है। बस तो तू एक कप में इतना ही डलेगा, अपनी बनी हुई चाय पी के देखो क्या बनाई। पहले तुम पियो, बहुत गर्म है तो फिर अभी रुक जाओ। मैं नहीं पी रहा चाय, मैं तुम्हारी चाय में बिस्किट डुबो के खा लूँगा। मेरी चाय में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी चाय में डुबोने की जरूरत नहीं है। चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, आगे नहीं कहेंगे वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। चाय तो बढ़िया है, बिस्कुट के साथ और अच्छी लग रही है। मैं नहीं पी रहा। तो जितना चाय का मन था ना मैंने ले लिया। एक सिप खुद ने बनाई है, चेक तो कर लो क्या बनाई है। ओ बहुत गर्म है यार, सही है, ओके है, पता नहीं।
उतनी अच्छी तो नहीं है, कड़क नहीं है चाय। A few moments later. Baba, what's cooking? है? सूजी टोस्ट। सूजी टोस्ट। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? सूजी और ब्रेड? नहीं। और दही और हल्दी? अरे क्यों बताऊँ मैं, सीक्रेट है, अपने आप खाना देखना क्या क्या है। यमी गरम होगा बहुत ज्यादा? नहीं ये ठंडा वाला। गरम होगा? ठंडा वाला दे दो सबसे पहले। जो तू तू ठंडा खाना खिलाएगी? जो खिला रही हूँ चुप चाप खा रहा हूँ। नमक डाला था तुमने? हाँ। सही है सही है। कम लग रहा है? पास पास हो गया। सूजी टोस्ट पास। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं कहता वो मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि मैं बर्तन धुलूंगा तो उसमें बर्तन धुल रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? गंदे होंगे और क्या, हम धोने पड़ेंगे दोबारा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत साफ बर्तन धुल रहा हूँ। As you can see, बहुत साफ बर्तन धुल रहा हूँ। तुमने Secret Games नहीं देखा? नहीं। अरे यार, you're missing something out of your life, man. Secret Games तो सबको देखना अनिवार्य है। अपन घूम के लौट के आएंगे ना तो देखेंगे रोज। दो दो तीन तीन एपिसोड, मतलब उसका ऐसा एडिक्शन है ना कि दो तीन एपिसोड तो आप एक साथ देखोगे पक्की बात है। चले पैकिंग का कुछ सिस्टम स्टार्ट करें। पक्की बात? यार आलस लग रहा है यार। पूरे दिन लेटते हो, पूरे दिन सोते हो, फिर भी आलस में पड़े रहते हो। लेट्स गो, चलो 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 चलो। अब चल रहा हूँ मैं। अब तुम देखो बैठ गई आलस में, ये कौन? मैं तो बल्कि नहा के आई हूँ, चलो मन थी कि हम रेस्ट कर लें। तो चलो रेस्ट कर लो, if you want to rest। बचपन का प्यार, बुढ़ापे का प्यार, बचपन का प्यार मेरा प्यार। भूल नहीं जाना रे। गाना बड़ा ट्रेंडिंग हो गया यार ये। प्लीज डोंट माइंड, ये बेड पूरा मेस्ड अप है तो प्लीज पीपल डोंट माइंड। मैं बस स्पीकर लेके आता हूँ, थोड़ा यहाँ गाने गुने से बजाएं तब स्टार्ट करें कि ऐसे ही करें स्टार्ट? चलो छोड़ो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ये भी तो रखना पड़ेगा। सामान निकाल रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ, आधी चीज समझ में आ रही है रखूँ, आधी चीज समझ में आ रही है क्या रखूँ। गंद क्यों मचा दिया इतना? ये तो गंद तो मचेगा ही, पैकिंग हो रही है ट्रिप की तो गंद तो मचता ही है। कपड़े तो देखो मैंने निकाल लिए हैं जो मेरे को चाहिए। अब कैमरे की एक्सेसरीज की बारी है, वो कर रहा हूँ। ये बताओ तुम घोड़ी पे बैठे थे? यार देखो घोड़ी तो आई थी लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मैं बैठ नहीं पाया घोड़ी पे, तो आई हैड टू विथड्रॉ द घोड़ी वाला प्लान और मैं गाड़ी से ही गया था। क्या यार ये क्या बात है, मेरा दूल्हा मतलब बिना घोड़ी के था, पता ही नहीं हो रही थी कैसे आता घोड़ी पे। या तो तुम भीग के आते, फिर मैं भीगी बिल्ली नहीं लगता। तो वो तुम्हारी गलती है यार, तुम जानो। नहीं नहीं, नहीं बारिश बहुत हो रही थी, वरना प्लान तो था, घोड़ी आई भी थी वेन्यू पे, लेकिन अब बारिश इतनी तेज हो रही थी भाई। नो घोड़ा ओनली गाड़ी। No one can eat just one. Elias का tagline है, क्या तुम्हें पता है? नहीं मुझे नहीं पता, थैंक यू आपने बताया। ड्रोन की बैटरी चार्ज में लगा देता हूँ, ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर भी चार्ज में लगा देता हूँ। बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो रखी भाई साहब चीजें। यार तुम गंद बहुत फैलाते हो, फिर बोलते रहते हो। यार अब गंद क्या यार, एक बार तो अलमीरा से कपड़े बाहर निकलेंगे, उसके बाद अभी तुम भी अपना सामान निकालोगी। मैं ऐसे बिखेरूंगी नहीं, मैं एक बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर करूंगी, देखना क्या पैकिंग कैसे होती है। मुझे ऐसे थोड़े फेंक दिए वो बैग, वो खोले पड़े मुंह खोल के उनमें डालो। तो रखेंगे ना, अभी तो सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया ना, अब देखेंगे कौन सा सामान किस में आएगा। मुझको सिखा रही हो पैकिंग तुम? है मुझको आदर्श बालक को तुम पैकिंग सिखा रही हो? है चेस्टी में जैकेट के साथ ही सुबह पहन लूंगा, क्योंकि फिर बार बार निकालने चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो लास्ट ट्रिप में मुझे दिक्कत हुई थी, इसलिए दिस टाइम आई विल वेयर दिस चेस्टी साथ में। ऑलमोस्ट लाइक 80-90% बैग हो चुका है, दोनों सैडल बैग रेडी हो गए हैं, बस ये मेरा टैंक बैग है जो अभी पूरी तरीके से खाली है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें रखनी है जो इमीडिएट ज़रूरत की होती हैं। अपने टेल बैग को भी पूरी तरीके से भर लिया है, एक दो आइटम्स इसमें से हैं जो सुबह रिक्वायरमेंट होगी। इसमें भर इसलिए दिया है क्योंकि पता रहता है ना कि अब इसमें से सामान निकाला है तो इसी में ही वापस डालना है यूज़ करके, इसीलिए ये भी पूरा फाइनल कर दिया है। सैडल बैग भी फाइनल हो गए हैं, बस टैंक बैग बचा है, उसको फाइनल करके पैकिंग को समाप्त करते हैं। मैं एकदम भूत बन चुका हूँ भाई। दिवाली
डिवाइसेस सारी लाइन से लगती हुई चार्ज होने के लिए। ड्रोन की बैटरीज हैं सबसे पहले, उसके बाद ड्रोन का कंट्रोलर है, उसके बाद ये ब्लूटूथ स्पीकर है, उसके बाद मेरा आईफोन है, उसके बाद गोप्रो की बैटरीज हैं, उसके बाद दो हेलमेट इधर रखे हुए जो चार्ज होने हैं। ये शिल्पी का हेलमेट है, ये मेरा हेलमेट है, ये बेड पे चीज़ें रखी हैं जो सुबह उठानी है, इधर से उठा के रैप अप करके निकल जाएंगे। तो वी आर ऑल सेट एंड डन, पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। वो जब तक निकल नहीं जाते ना तब तक होता है कि पैकिंग करनी है, कुछ रह गया है, बट मेजर चीज़ें हम लोगों ने रख ली हैं। क्यों मेजर चीज़ें रख ली हैं, बाकी छुटपुट चीज़ें हैं वो तो लास्ट मोमेंट तक रखते निकलते भी रख लेंगे। चार्जर वगैरह ये सब केबल वगैरह भी। लंच बन रहा है, मैडम लंच बना रही हैं, लंच करेंगे उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। आइए मैडम, आइए, क्या बनाया है आज आपने, देखें ज़रा। पनीर भुर्जी, राइस, पराठे, रोटी, दाल और थोड़े से छोले, कर्ड। वी हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं आज फिर तुम्हारे साथ लंच की प्रिपरेशन नहीं कर पाया क्योंकि मैं पैकिंग में बिजी था। कोई बात नहीं, कमेंडेबल जॉब फॉर दिस फूड। अब बिना शूट करते हुए खाना इंजॉय करेंगे, ओके? दैट्स अ प्रॉमिस। यो ब्रो। अ फ्यू इंचेस लेटर। शिल्पी खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये मैं सच में दिल से बोल रहा हूँ। वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, सच में दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सब कुछ था। दिल से बोलो ना, ये तो मुंह से बोल रहे हो। दिल से कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये मेरी फीलिंग्स है मैन। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कपड़े कुपड़े भी हम लोगों ने सुखा दिए। जो मम्मी के घर जाना है इसलिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा, मम्मी के घर जाना इसलिए रेडी हो रही हो, क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो चलो ठीक है गाइज, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। छोटा व्लॉग है क्योंकि अभी हम लोग को रात में डिनर के लिए क्योंकि जाना है डिनर के लिए। तो एडिट करने के लिए अपने पास कितना टाइम है, 2 घंटे बचे हैं एडिट के लिए। एडिट करके शाम 6 बजे तक फ्री होना है अपने को, क्योंकि रात में आके जल्दी सोना है, जस्ट बिकॉज सुबह अपने को कल निकलना है राइड वे। वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। कहाँ जा रहे हैं और हाँ, वो एक सरप्राइज है, वो बताएंगे आराम से आप लोगों को कल रास्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त होगा क्योंकि लंबी राइड है हमारी। तो ठीक है, इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से। मेरे बाल बहुत अजीब से लग रहे होंगे, प्लीज़ डोंट माइंड। ये तो नहा धो के रेडी हो चुकी है, मैं सुबह से अपने काम में ही लगा हुआ हूँ। खैर, ये भी काम कर रही है, मैं ये नहीं कर रहा कि ये काम नहीं कर रही है, ये मुझसे ज़्यादा ही काम कर रही है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस लैपटॉप में घुसा हुआ हूँ, ये वो, बट शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग घर का। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये आ गई है मेरे साथ। बहुत हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं एक साथ, मज़े आ रहे हैं और इंशाल्लाह ट्रिप में भी बहुत मज़े करेंगे, क्यों? चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। ओके, बाय बाय। ऐसे मेरे कपड़े धो रही हो, सब लोग फिर वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि अपनी बीवी से काम करा ही रहा है जब से लेकर आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ काम करा रहा हूँ। क्या तुम ऐसे बोलोगे कि मैं सिर्फ काम करा रहा हूँ तुमसे? यार मैं सिर्फ एक मजाक किया। थोड़ा तेज बोलो। क्यों, ये वाली बात तो दबनी चाहिए। नहीं, ये बात दबने वाली नहीं है, ये बात उठने वाली है। वैसे असल बात ये कि मैं खुद कपड़े सुखाने के लिए लाया था, लेकिन इसने मेरे हाथों से छीना और अब ये खुद कपड़े सुखा रही है। मौसम बहुत पतिवरता है ना ये, इसलिए छीना। मौसम देखो बेबी कितना अच्छा है।